हमारी माँ दीदी ने इसे वचन दिया था कि हम असुर देव माता अदिति को सुरक्षित छोड़ देंगे, पर यह वचन नहीं दिया था कि हम इस पक्षी और इसकी माँ पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब जा तू अपना आखेड़ कर ले, मैं यहीं बैठकर विष्णु जी का ध्यान करती हूँ। अवश्य, पर उससे पहले आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद कर लूं? हाँ कीजिए ना माँ। माँ, बहुत दिनों से आपकी सेवा नहीं की थी, ना आपके लिए जल लाया, ना रात में पंखा जला, ना आपके चरण दबा पाया। आपकी सेवा के बिना जीवन अधूरा सा लगता है माँ। एक बार संतान बड़ी हो जाए, समर्थ हो जाए, फिर तो वो अपने माता पिता का मुख भी नहीं देखती। और एक ये मूर्ख है, स्वयं को अपनी माता की सेवा में न्योछावर कर रखा है इसने। तभी तो हमारे साथ युद्ध में हर समय माँ माँ की रट लगा रखी थी इसने। अब आज्ञा दीजिए। अब मिला प्रतिशोध लेने का अवसर। यहाँ तो आहार के लिए कोई भी जीव नहीं दिख रहा, वहां मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये मेरी माया का चमत्कार है गरुड़, मैंने सभी जीवों को तुम्हारी दृष्टि से ओझल कर दिया है। आज तू किसी भी जीव का भोजन नहीं कर सकता है, बल्कि तू स्वयं बनेगा किसी का भोजन। हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, मेरी सहायता कीजिए। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए, अपने भक्तों पर कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों की सहायता कीजिए। हे दीनानाथ, मुझ पर दया कीजिए। तुम कौन? भयभीत मत होइए, मैं आपकी सहायता करने के लिए आया। तुम कौन हो बालक? तुम मेरी क्यों सहायता करना चाहते हो? बस आप यही समझ लीजिए कि मैं भी आप ही की तरह एक भक्त हूँ, और रहा प्रश्न आपकी सहायता करने का, तो मेरी माँ कहती है जब भी परोपकार करने का अवसर मिले तो हिचकिचाना मत। भोलेनाथ, तुम्हें आशीर्वाद दे बालक, बस मेरा एक काम कर दो, इस मटके में जल भरकर मेरी कुटिया तक छोड़ दो। बस इतनी सी बात? मैं अभी गया और अभी आया। लाइए। अंततः गरुड़ फंस ही गया मेरे जाल में, ये स्वयं ही मृत्यु की ओर बढ़ रहा है।
पार्वते वासुदेवाय। ये संघर्ष तेरी मृत्यु की आहट है गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेव। गरुड़, अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था, वो ठीक तो है? कहाँ रह गया? मैं उसकी प्रतीक्षा में यूं बैठी नहीं रह सकती, मुझे अपनी मन की आंखों से ढूंढना होगा उसे। माँ, आप यहाँ? करुड़, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? माँ, मैं ठीक हूँ, मैं बस अभी आया। करुड़, तू उसका पीछा क्यों कर रहा है? तू भूमि और आकाश का वासी है, जबकि वो मकर जलचर है। जल में उसकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। माँ, आप सत्य कह रही हैं, पर आप ही ने मुझे सिखाया था कि जब भी भूख लगे तो प्रयास करना किसी दुष्ट प्राणी को ही मारा जाए, ताकि अन्य सभी निर्दोष प्राणियों की रक्षा हो सके और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। माँ, यदि आज इस मकर को मैंने छोड़ दिया तो भविष्य में इसके जैसे अनेक दुष्ट यहाँ आकर उत्पात मचाएंगे और सामान्य जन का जल पीना भी असंभव हो जाएगा। माँ, मुझे जाने दीजिए। यमराज को इतनी प्रतीक्षा मत कराओ मगरराज, शीघ्र ही शिकार करो इस पक्षी का। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए प्रभु। ओम विष्णुवे नमः। तो ये सब इसी का षड्यंत्र था। दुष्टों को कितना भी समझाओ, ना सुधरते हैं ना संभलते हैं। अब शांत हुई तेरी भूख? बुराई का नाश करके केवल भूख ही नहीं, मन भी शांत हो गया माँ। चल अब घर चलते हैं, कद्रू दीदी प्रतीक्षा कर रही होंगी। और माँ, वो शेष बातें हम घर चल के करेंगे। गरुड़, चल अब। ये भी अवसर हाथ से निकल गया, किंतु मुझे शीघ्र ही माँ को बड़ी माँ की मंशा से अवगत करना होगा। कहाँ रह गए ये दोनों? माँ,
यदि गरुड़ को सारा सत्य पता चल चुका है तो फिर वो अभी तक मौन क्यों है? मैं भी वही सोच रही हूँ तक्षक। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों माँ पुत्र भोजन के बहाने हमें ही भोजन बनाने का षड्यंत्र रच रहे हो? मुझे कैसे पता होगा कालिया? आपने इतना पूछा फिर भी गरुड़ कुछ नहीं बोला, क्यों माँ? हाँ माँ, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या पता है कितना, तो उसे नियंत्रण में कैसे रख पाएंगे? प्रश्न प्रश्न प्रश्न, तुम लोगों को केवल प्रश्न पूछने के लिए जन्म किया है ना मैंने। एक वो गरुड़ है जो अपनी माँ के लिए आकाश पाताल एक कर रहा है, और तुम लोग उल्टे सीधे प्रश्न करके मेरी चिंता बढ़ा रहे हो। जब कुछ करते तब भी डांट पड़ती है और जब कुछ नहीं करते तब भी डांट पड़ती है। माँ, माँ वो आ गए। ये घाव कैसे लगे तुझे? कुछ नहीं माँ, वो आखेट करते समय थोड़े बहुत घाव तो लग ही जाते हैं। मुझसे छुपाएगा? किसी मकर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुझे घाव दे पाए। ये घाव तो मैंने तुझे माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कैसे नहीं हुआ? तुझसे बिना कुछ पूछे इतना मारा और तू भी चुपचाप मार खाता चला गया। इतने विकट असुरों से युद्ध करके आया, तुझे कुछ नहीं हुआ और मेरे मारने से इतने घाव। ये संसार में किसी के भी प्रहार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता मुझ पर, और जब आप मारेंगी तो कष्ट होगा ना माँ? तू चल भीतर चल, मैं औषधि का लेप लगा देती हूँ। आजा चल। यदि विंता को पता होता कि उसका पुत्र केवल असुरों से युद्ध करने नहीं बल्कि उसके अतीत का सत्य जानने गया है तो उसका व्यवहार इतना सामान्य नहीं होता। इसका अर्थ है करुण ने अपनी यात्रा के विषय में अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। पर क्यों? माँ मुझे दीजिए, मैं पीसता हूँ औषधि, लाइए। नहीं, चोट भी खाएगा और औषधि भी स्वयं बनाएगा तो माँ क्या करेगी? पर माँ, गरुड़ जैसे तुझे मेरी सेवा करके आनंद मिलता है वैसे ही मुझे भी तेरे लिए कुछ करके प्रसन्नता मिलती है। तू अपनी माँ को प्रसन्न नहीं देखना चाहता? जा वहां जाकर बैठ जा। सोचा था भोजन करते समय माँ को अपनी यात्रा के विषय में सब बता दूंगा, पर अवसर ही नहीं मिला। और अब तो बहुत रात हो गई है, माँ भी थक गई होंगी। औषधि लगा रही हूं तो जलन हो रही है, जब मार रही थी तब तो आ तक नहीं की। उस समय तो मेरा पूरा ध्यान आपके दुख पर था ना माँ? तो अब भी अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर ले।
चल बता, तुझे कैसे पता चला कि अदिति माँ कहाँ तपस्या कर रही हैं और उन्हें तेरी सहायता की आवश्यकता है? वो तो मुझे प्रभु श्री विष्णु के संकेत से पता चला था। प्रभु श्री विष्णु के संकेत से? यही उचित अवसर है माँ को सब सत्य बताने का। मैं आपको आरंभ से सब कुछ बताता हूँ। क्या हुआ, तू इतना गंभीर क्यों हो गया? ऐसा क्या बताने वाला है तू? माँ, मैं आपकी दास्ता की कथा जानने के लिए आपको बिना बताए वैकुंठ गया था। वैकुंठ? पर वहां कोई भी प्राणी इस देह के साथ नहीं जा सकता। यदि माँ का आशीर्वाद साथ हो तो असंभव भी संभव है। माँ, स्मरण है आपने मुझे 7 और दो लोगों के बारे में बताया था। मैं एक एक करके सबके पार गया। और दूर से ही सही पर ब्रह्म लोक में मुझे पिताजी के दर्शन हुए। माँ, सत्य? हाँ माँ, पिताजी के मुख पर जो तेज था ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। वो तेज, उसकी आभा सबसे अलग है पुत्र। ऋषियों में सर्वप्रथम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब उनका सम्मान करते हैं। उनकी अर्धांगिनी होना मेरे लिए गर्व की बात है। और तू भी बहुत भाग्यशाली है पुत्र कि तू उनका पुत्र है। सत्य कहा आपने, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूं। पता है मां, पिताजी को देखकर जब मैं मंत्रमुग्ध हो गया था तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? पुत्र गरुड़, एक बार किसी कार्य को करने का निश्चय कर लो तो फिर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करो। इसका अर्थ है स्वामी ने गरुड़ की इस सत्य जानने के लिए की गई यात्रा का समर्थन किया। तेरे पिता सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होते, उनसे उदासीन रहते हैं, पर फिर भी तुझे यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। माँ, पिताजी के वचनों से उत्साहित होकर मैं और ऊपर उड़ा। फिर जब मैं वैकुंठ पहुंचा तो एक भयंकर काले नाग ने मेरा मार्ग रोक लिया। अनंत, मेरा पुत्र शेषनाग। माँ, मैं तो शेष भैया को जानता था पर वो मुझे नहीं जानते थे। उन्हें ऐसा लगा कि कोई असुर प्रभु विष्णु की तपस्या को भंग करने के लिए आया है, इसीलिए उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया। पर फिर एक बार आपने मेरी रक्षा की। क्या संबंध है तुम्हारा विंता माँ से? ब्रह्मपुत्र कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्र माँ विंता का पुत्र हूं मैं, गरुड़। शेषनाग ने मेरा पुत्र होते हुए भी विंता का साथ